जाने अनजाने में हम भी ना जाने कितने पाप रोज करते हैं। हम कहते कि हमने तो अपने हाथों से पाप किया ही नहीं, हम पापी कैसे हो गए। हाथों से नहीं करोगे तो इन कानों से कुछ ऐसा सुन लोगे जिससे पाप हो जाएगा। हम कहे हमने तो सत्संग के अलावा कभी कुछ सुना ही नहीं, तो इन आंखों से ऐसा कोई दृश्य देख लोगे जिससे पाप हो जाएगा। आंखों से भी ना हो तो जिभा कुछ ऐसा बोल देगी जिससे पाप हो जाएगा। संत कहते प्यारे, कलयुग के जीवों के पापों का प्राश्चित बस नाम स्मरण से ही उन पापों का प्राश्चित हो जाता है। अब नाम स्मरण कैसे करे, घर में तो बहुत काम है। सुबह सुबह 4 बजे उठो, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े भोजन, सुबह से शाम हो जाए फुर्सत नहीं, हमारे खुद के लिए समय नहीं। जाप कहां से करें, भजन कहां से करें, माला पूजा कहां से करें। संत कहते जरूरी नहीं है कि नाम जप करने के लिए एकांत में बैठो, घर का काम करते करते भी आप नाम जप कर सकते हो, झाड़ू लगाते समय भी आप राधे राधे गा सकते हो, बर्तन मांजते समय भी राधे राधे गा सकते हो, भोजन बनाते समय भी आप राधे राधे गा सकते हो। उसमें दो फायदे हैं, एक तो पापों का प्राश्चित होगा और दूसरा फायदा यह है कि काम करते करते गुस्सा नहीं आएगा। कई बार रोटियां फुलाते फुलाते माताओं मुंह फुलाने लगती है, क्रोध आ जाता है। क्रोध कब आता है, जब पुरानी बातें याद आती है। आज से 2 दिन पहले सास ने ऐसा कह दिया था, पति ने ये कह दिया था, और वो कब, जब आपका मन आप एकदम विचलित रहेगा, जब आपका मन उन पुरानी बातों को याद करेगा तो क्रोध आना स्वाभाविक है। पर जब आपके मन को फुर्सती नहीं होगी नाम जप करने से, तो फिर पुरानी बातें याद नहीं आएगी, और पुरानी बातें याद नहीं आएगी तो क्रोध नहीं आएगा। मन को व्यस्त रखिए, राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जो आपको अच्छा लगे, जिन्हें आप मानते हो उनका नाम जपते रहिए। और एक निवेदन करूं, परेशानी कितनी भी बड़ी हो जीवन में, मुस्कुराना कभी मत छोड़िए। एक समय था जब लोग पड़ोसी के पांव में लगा हुआ कांटा निकाला करते थे। 10-15 साल पहले आप विचार करिए, जब किसी को पांव में कांटा लग जाता था तो उसका पड़ोसी भी आके निकाल देता था कांटा। और 10-15 साल में समय इतना बदल गया, कांटा निकालना तो बहुत दूर की बात है प्यारे। अब पड़ोसी पड़ोसी की राह में कांटे बिछाने का काम करता है, निकालने का काम नहीं करता। कारण क्या है, पहले सुख सुविधा कम थी, रुपया पैसा कम था, बड़े बड़े महल मकान नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी, पर हर व्यक्ति सुकून से जीता था, शांति बहुत थी, प्रेम बहुत था, अपनों पर विश्वास बहुत था। आज रुपया पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, मकान है, दुकान है, धन है, प्रॉपर्टी है, अगर नहीं है तो व्यक्ति के मन को सुकून नहीं है। कितना भी मिल जाए, कितना भी कमा लो, गरीब से गरीब भी दुखी है, और कितना भी बड़ा धनपति हो वो भी दुखी है, सुखी नहीं है। कारण हम अपने दुख से दुखी नहीं है। अगर हम अपने दुख से दुखी होते तो हो सकता सुखी हो जाते। आगे चल के हम अपने दुख से दुखी नहीं है, हम तो पड़ोसी के सुख से दुखी है, और इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। पहले पड़ोसी भी परिवार हुआ करता था, और आजकल एक ही परिवार में जाने कितने पड़ोसी हो गए। संत कहते प्यारे, अगर आगे बढ़ना है, जीवन में बहुत कुछ पाना है, तो कभी किसी की उन्नति को देख करके जलिएगा मत, घृणा मत करिएगा,
संघर्ष करिएगा, प्रयास करिएगा कि जो उसे मिला है वो मुझे भी मिले। प्रेम से आप उससे सलाह लीजिएगा कि कैसे किया। हरिओम।